महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस से हटे एकनाथ शिंदे, बोले बीजेपी का सीएम मुझे मंजूर, बीजेपी जिसे सीएम बनाएगी मैं उसके साथ हूँ। शिंदे बोले, कल पीएम मोदी से मेरी बात हुई, मैंने उनसे कहा मेरी वजह से सरकार गठन में कोई अड़चन नहीं होगी, मोदी का हर फैसला मुझे मंजूर। शिंदे बोले, मैं अपने 2.5 साल के काम से संतुष्ट, सीएम नहीं हमेशा कॉमन मैन की तरह किया काम, मुझे सीएम पद की कोई लालसा नहीं। नाराजगी की खबरों पर शिंदे ने तोड़ी चुप्पी, बोले मैं नाराज नहीं हूँ ना नाराज होने वाला हूँ, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करता रहूंगा। शिंदे बोले, कल दिल्ली में अमित शाह के साथ महायुति की बैठक, मीटिंग में मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। एकनाथ शिंदे के रेस से हटने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री तय, देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी में अब कोई अड़चन नहीं। महाराष्ट्र की नई सरकार में भारी भरकम मंत्रालयों के डिप्टी सीएम बन सकते हैं एकनाथ शिंदे, अगर डिप्टी सीएम पर नहीं माने तो मोदी कैबिनेट में मिलेगी जगह। सूत्रों के मुताबिक बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए एकनाथ शिंदे की बड़ी प्लानिंग, खुद सरकार से बाहर रहकर बेटे को बनाना चाहते हैं डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिंदे के ऐलान से पहले दिल्ली पहुंचे शिंदे सेना के सांसद, गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सामने आई संभल के दंगाइयों की नई तस्वीर, पहचान के बाद तलाश में जुटेगी पुलिस, लोगों से भी दंगाइयों की पहचान की अपील। संभल पुलिस ने जारी की दंगे के कई आरोपियों की तस्वीर, अब तक 3 महिलाओं समेत 27 आरोपियों पर पुलिस ने गिरफ्तार किया, करीब 40 दंगाइयों की फोटो जारी। 24 नवंबर को पुलिस पर किया था पथराव, पुलिस की कई गाड़ियों में आगजनी भी की गई। संभल में पथराव को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा को घेरा, बोले सपा के नेताओं ने सर्वे टीम पर पथराव के लिए लोगों को उकसाया, जांच जारी है, बहुत जल्द सच सामने आएगा। लोकसभा में आज भी अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष का भारी हंगामा, स्पीकर ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया अडानी को बचाने का आरोप, बोले हजारों करोड़ के घोटाले में उन्हें जेल में होना चाहिए। राहुल गांधी ने की अडानी की गिरफ्तारी की मांग, कहा केंद्र सरकार अडानी को बचा रही है। अडानी मामले में वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी बोले, कांग्रेस से लेकर बेवजह तूल दे रही है, जेपीसी गठन की मांग की जगह पहले अडानी के खिलाफ सबूत पेश करना चाहिए। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में लगाए गए आरोपों पर बोले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, कहा अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे, अडानी चार्ज 1 और चार्ज 5 में उनका नाम नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में इंडी गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी रहे मौजूद, संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले, संसद को बार बार स्थगित करना राष्ट्रीय हित में नहीं, आखिर अडानी पर चर्चा से क्यों भाग रही है सरकार, संबल और मणिपुर की हिंसा पर भी हो चर्चा। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव, नई दिल्ली विधानसभा के सफाई कर्मचारियों को अपने घर चाय पर बुलाया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश गहलोत का विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा, स्पीकर राम निवास गोयल को भेजी इस्तीफे की चिट्ठी। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर जताई सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा, बोले अगर लोगों को लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं तो निश्चित तौर पर मैं संसद आऊंगा। वक्फ बिल पर बिहार विधानसभा में हल्ला बोल पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विपक्ष को घेरा, बोले ये नौटंकीबाज लोग, लोकसभा के मुद्दे को विधानसभा में उठाने से क्या फायदा। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरी पश्चिम बंगाल बीजेपी, कोलकाता में सुविंदु अधिकारी की अगुवाई में बांग्लादेश हाई कमीशन तक नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, बोले इस फिल्म में गोथरा कांड की सच्चाई, सभी लोगों से फिल्म देखने की अपील। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, कुरुक्षेत्र में सड़क की सफाई करते नजर आए सीएम नायब। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने की बड़ी कार्रवाई, 10 बच्चों की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट के बाद प्रधानाध्यापक की छुट्टी, 3 लोग निलंबित। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले वो समय गया जब नारे लगते थे मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, इससे देश और समाज का उत्थान कभी नहीं हो सकता। छात्रों को योगी की बड़ी सीख, बोले जाति मत और मजहब के आधार पर युवा शक्ति और छात्र बटे तो न सिर्फ भारत की प्रतिभा का विभाजन होगा बल्कि उनके विकास की धारा भी अवरोधित होगी। डिंपल यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी उपचुनाव में शासन प्रशासन ने मिलकर बूथ कैप्चरिंग की, इस सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल। जालंधर में पंजाब पुलिस और लॉरेंस के गुड़गांव में मुठभेड़ एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, गोलीबारी के बाद गिरफ्तार। जालंधर के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने जानकारी दी, काफी समय जेल में रहकर आए थे बदमाश, दोनों के पास विदेशों में बने पिस्टल बरामद। उदयपुर के राजघराने में विवाद के बीच विश्वराज सिंह ने किए एक लिंगनाथ जी के दर्शन, परंपरा के अनुसार मंदिर में उनकी पगड़ी वाली रंग दस्तूर की रस्म।
सोमवार को वो विश्वराज लक्ष्यराज के समर्थकों में हुई थी झड़प। उदयपुर में सिटी पैलेस के आसपास धारा 163 लागू सिटी पैलेस के 500 मीटर के दायरे में लगाई गई धारा। पूरा विवाद विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह के बीच। इंडिया टीवी से बोले लक्ष्यराज मेवाड़, गैर कानूनी तरीके से घर में घुसना ठीक नहीं है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 300 के पार पहुंचा AQI, इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाई धुंध की मोटी चादर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में यमुना नदी में खत्म नहीं हो रहा है जहरीला झाग, करीब एक महीने से यमुना नदी में फैला है झाग। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में छाई धुंध, स्मोक के चलते विजिबिलिटी कम। ओलंपिक मेडल विनर बजरंग पुनिया के खिलाफ NADA का बड़ा एक्शन, 4 साल के लिए बजरंग पुनिया को बैन किया गया। इसी साल 10 मार्च को बजरंग पुनिया को डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने के लिए इनकार किया था। राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान नहीं दिया था सैंपल, टोक्यो ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक।